दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लू के बारे में। एक्चुअल में क्या होता है लू, क्या होता है लू लगने से, लू हमें कैसे लगते हैं और लू लगने का बेसिक सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली लू एक टाइप का हवा होता है। जब भारत के उत्तर व पश्चिमी भागों में मई या जून महीने के महीने में हाई टेम्परेचर के साथ दोपहर में चलने वाली सूखी व गर्म हवाओं को लू कहा जाता है और ऐसे समय पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। जनरली 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक के यह टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो सिंपली इसी को लू कहा जाता है और अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लू हमें लगता कैसे है, यानी लू लगना किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे ह्यूमन बॉडीज का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर प्लस माइनस 37 होता है, यानी 37 से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। इसी बॉडी टेम्परेचर में हमारे ह्यूमन बॉडीज के सभी ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, ऐसे सभी ऑर्गन्स, ऑल बॉडी सिस्टम, ऑल बॉडी पार्ट प्रॉपर तरीके से काम कर पाते हैं। 37 से कम या 37 से ज़्यादा टेम्परेचर में हमारे बॉडीज के सारे सिस्टम, सारे फंक्शन धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए हमारे ह्यूमन बॉडीज में हाइपोथैलेमस होता है जो कि हमारे बॉडीज के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अगर वेदर कूल रहा तो बॉडी में हीट जनरेट करवाता है, अगर वेदर हॉट रहा तो स्वेट यानी पसीना सिक्रेट करके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करके रखता है। और जब गर्मी का सीजन होता है या गर्मी के सीजन में जब हम उन सूखी व गर्म हवाओं यानी लू के संपर्क में आते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत गर्मी लगने लगता है और बॉडी से बहुत सारा पसीना भी निकलते हैं, जिसमें हमारे बॉडीज में बहुत वाटर लॉस होता है और साथ में कुछ आयंस भी लॉस होते हैं। और ऐसे टाइम पे अगर हमने पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिए तो हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी पानी का कमी होने लगता है और गर्मी के वजह से जो ज़्यादा पसीना निकल रहा था वह पसीना भी धीरे धीरे कम होने लगता है। पसीना कम होने के वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिस वजह से बॉडी के सारे वाइटल सिस्टम, वाइटल ऑर्गन्स सारे डिस्टर्ब होने लगता है और बॉडीज में जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता था वह सिस्टम भी धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाता है और बॉडी ठीक से काम भी नहीं कर पाता। इसी कंडीशन को लू लगना कहा जाता है। अब सवाल यह आता है कि लू लगना पहचाने कैसे, यानी लू लगने का सिम्टम्स क्या है। देखिए दोस्तों, लू का सिम्टम्स यानी लक्षण है पसीना कम आना। जब भी हम धूप में जाएंगे या जब हमें ज़्यादा गर्मी लगेगा तो ऐसे टाइम पर जितना पसीना निकलना चाहिए था उतना पसीना बॉडी से निकलेगा नहीं। दूसरा लक्षण है वीकनेस। लू लगने के वजह से डिहाइड्रेशन के साथ बॉडी से कुछ आयंस भी लॉस होते हैं, जिस वजह से बॉडी का एनर्जी बहुत कम होने लगता है, जिसमें वीकनेस लगना बहुत कॉमन होता है। और भी कई तरह के ऐसे लू लगने के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे प्यास ज़्यादा लगना, सिर दर्द, बुखार, उल्टी जैसे लगना, चक्कर आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, ऐसे कई तरह के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो यह था दोस्तों लू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे लू से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।